Pakistani officials say a passenger plane has crashed in Pakistan. तो घंटे का सफर था, उस घंटे के सफर में जो आखिरी 15 मिनट थे उससे पहले ये जहाज मिसिंग हुआ है। जुनैद जमशेद भी इस तैयारे में सवार थे और उनकी नशिस्त का नंबर जो है वो 27C बताया गया है। नहीं, ये वो जुनैद जमशेद नहीं होगा, ऐ खुदा ये वो वाला जुनैद जमशेद ना हो, ये दिल दिल पाकिस्तान और शान रमजान वाला जुनैद जमशेद ना हो। उस जुनैद ने तो अभी बहुत जीना है, वो तो खुद कहता है कि एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही। तो हमें लेकर चलने वाला खुद अकेला कैसे जा सकता है? यकीनन वो कोई और होगा, वो कोई और जुनैद ही होना चाहिए। आजकल के चैनल्स और अखबार तो एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए झूठी खबरें फैला देते हैं। ये 100% अफवाह होगी। फोन करो, इंटरनेट पर देखो, लिस्टें खंगालो, पूछो किसी से। जुनैद जमशेद यार अभी कल ही तो होने वाले जुनैद जमशेद की मय्यत की शनाख्त हो गई। तस्दीक अमेरिका से मंगवाए गए डेंटल एक्सरे से हुई है। लेकिन सच यही था। हवेलियन के करीब क्रैश होने वाली फ्लाइट PK-661 का शहीद मुसाफिर जुनैद वही जुनैद जमशेद था जिसने बहुत पहले कह दिया था कि 2 पल का ये जीवन है। एक ऐसा शख्स जो तमाम उम्र अपनी बेकरार रूह को लेकर मारा मारा फिरता रहा, दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे की तरफ बढ़ता रहा, और जब मंजिल के करीब पहुंचा तो यूं अचानक सब छोड़ छाड़ कर चला गया। वो कौन था? पायलट जुनैद, सिंगर जुनैद, सुपरस्टार, बिजनेसमैन, मुबल्लिग, नात खां जुनैद, कौन था वो? रोहेल हयात का जुनैद या शोएब मंसूर का, तारिक जमील का जुनैद या वसीम बादामी का, या फिर आप और मुझ समेत दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों फैंस का जुनैद जमशेद? आंख से आंसू का पहला कतरा जैसे ही गालों पर फिसला, इससे पहले कि कोई देख ले, इसने फौरन अपनी कलाई से इसे यूं पहुंचा कि महसूस हो जैसे आंख में कुछ पड़ गया है। हमारे यहाँ लड़कों को यही कहकर तो बड़ा किया जाता है कि रोना मत, रोती तो लड़कियां हैं, जब्त करो, बर्दाश्त करो। लेकिन दिल बेचारा क्या करे कि लड़के लड़की का फर्क नहीं जानता। जब भर आता है तो अपना बोझ जमाने भर को नजर आने वाली आंखों के हवाले कर देता है। पायलट बनकर हवा में उड़ने का ख्वाब जुनैद ने बहुत बचपन ही में देख लिया था। सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सिटी याम्बू के इंटरनेशनल बोर्डिंग हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद वो अपने रूम में मॉडल प्लेन से घंटों खेलता। वालिद एयर कमोडोर जमशेद अकबर खान का ताल्लुक मानसेरा से था। वो फर्जशनास, पढ़े लिखे और रोशन ख्याल फौजी अफसर थे। उनकी मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स होती रहती थी। जुनैद की पैदाइश कराची में हुई। वालदा नफीसा अकबर खान बरतानवी राज में 11 तोपों की सलामी वाली रियासत लोहारू की नवाब की पोती थी। इस वजह से घर का माहौल सादा मगर जमालियाती लिहाज से या एस्थेटिकली बहुत आला पाए का था। यूं जुनैद में जहानत के साथ साथ एक वकार और कशिश भी थी। वालिद के मामूलात की वजह से जुनैद को भी फजा और फजाइया में दिलचस्पी हुई जो इश्क में तब्दील हो गई। हर उड़ते फर्राटे भरते फाइटर तैयारे के साथ वो खुद को इसी में पाता। आग बंद होती तो कभी वो मेराज में होता और कभी F-16 में, कभी थर के कत्थई रेगिस्तानों में तो कभी सियाचिन की दूधिया पहाड़ियों में। ये शौक, ये जुनून हर वक्त उसके जहन पर सवार रहता। पायलट बनने के लिए जुनैद ने सब कुछ किया। दिल लगाकर पढ़ाई की, हमेशा अच्छे नंबर लाया, अपनी सेहत अपनी शख्सियत का ख्याल रखा और सबसे बढ़कर डिसिप्लिन की पाबंदी की। लेकिन पाक फजाइया में डिसिप्लिन ही सब कुछ नहीं होता। जो खत आया उसमें लिखा था कि आपकी नजर पायलट बनने के लिए मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं, लिहाजा आप फ्लाइंग के लिए अनफिट करार दिए जाते हैं। हालांकि इस खत में जुनैद को ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ओके करार दे दिया गया था, मगर शुरू की लाइंस के बाद इससे कुछ आगे नहीं पढ़ा गया। कागज हाथ से छूट गया और साथ ही जब्त का बंधन भी। उस रोज वो घर के तकरीबन हर फर्द से लिपट कर रोया और सबसे ज्यादा अपने वालिद जमशेद अकबर खान से। बाप ने बेटे का ही नहीं, एक सिपाही और एक एविएटर का दर्द भी समझा, प्यार किया, सीने से लगाया, थपथपाया। वो कई रोज तक जुनैद को दिलासा देते और समझाते रहे कि जदीद मेडिकल साइंस में कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसे प्रॉपर इलाज के बाद दोबारा ट्राई करनी चाहिए। जुनैद की बेकरार रूह को वक्ती करार तो आ गया, लेकिन कुछ था जो उसे अब भी सताए जा रहा था, कुछ गैर मुकम्मल, अधूरापन, कुछ ऐसा जो चाह कर भी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। इस माहौल में छोटे भाई हुमायूं ने, जो अच्छी आवाज के साथ साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोजिंग से खास शगफ रखता है, जुनैद का ध्यान बटाने के लिए उसे अपना गिटार पकड़ा दिया। प्यासी रूह को ग़िज़ा की तलाश थी जो उस वक्त किसी हद तक म्यूजिक से पूरी होने लगी। ध्यान बटा तो जुनैद का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा और घर में ही बनाया गया छोटा सा कॉर्नर स्टूडियो दोनों भाइयों और कुछ यूनिवर्सिटी फेलोज की मौजूदगी में आबाद रहने लगा। चार लोग मिलकर कोई धुन बनाते और बजाते हैं तो एक दूसरे पर पड़ने वाली तारीफी नजरें वक्त के साथ साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर देती हैं, जिसे म्यूजिक की दुनिया में बैंड कहा जाता है। पता नहीं ये ख्याल किसके जहन में आया, लेकिन इस कच्चे पक्के बैंड का नाम नट्स एंड बोल्ट्स रखा गया। यहीं से जुनैद को एहसास होता है कि बात बन रही है, मजा आ रहा है। उसका क्रिएट किया गया म्यूजिक खुद उसे पसंद आ रहा था, जो एक नवाबजादे परफेक्शनिस्ट के लिए बहुत अहमियत की बात है। मशक़ सुखन जारी है और साथ ही दोस्तों, यारों और करीबी रिश्तेदारों में ये बात फैल रही है कि स्मार्ट और हर घड़ी आंखों से मुस्कुराने वाला लड़का जुनैद अच्छा गा और बजा रहा है। निजी महफिलों में फरमाइशें होने लगी और जुनैद को अपने लिए दूसरों की पसंदीदगी अच्छी लगने लगी। म्यूजिक के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज लाहौर में पढ़ाई भी जारी है। मैथ्स और फिजिक्स इसके पसंदीदा मज़ामीन है और तालीमी मंजिल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पढ़ाई मुश्किल और मज़ामीन खुश्क हैं, जिसके लिए फैमिली और कॉलेज फंक्शंस में परफॉर्म करना जुनैद ने हॉबी और दिमाग फ्रेश रखने का बहाना बना लिया। यहाँ से एक मुनासिब पॉकेट मनी भी जमा होने लगी। लेकिन 1983 में पेशावर और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म करने की दावत इस हॉबी को प्रोफेशन में बदलने की वजह बनी। जुनैद ने इन शोज़ के लिए मेहनत और संजीदगी से तैयारी की। नतीजतन ये दोनों शोज़ बहुत कामयाब साबित होते हैं। यंग, एनर्जेटिक, गुड लुकिंग जुनैद ने दोनों मकामात पर सैकड़ों नौजवान स्टूडेंट्स के साथ साथ जिन दो अफराद को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर किया, उनके नाम थे कीबोर्डिस्ट रोहेल हयात और बेसिस्ट शहजाद हसन उर्फ शाही। ये दोनों वाइटल साइंस नामी बैंड के बैनर के साथ रावलपिंडी के इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ परफॉर्म करना ही उनके यहाँ आने की वाहिद वजह नहीं थी। उन्हें तलाश थी एक अच्छी आवाज या वोकलिस्ट की, जो वाइटल साइंस के मिसिंग पीस की जगह फिट हो सके। इस फील्ड में निस्बतन सीनियर होने के बावजूद न जाने जुनैद में ऐसा क्या था कि रोहेल परफॉर्मेंस के बाद इससे मिलने बैक स्टेज पर चले गए। मुस्कुराहटों का तबादला तारीफी कलमात के जीने से होता हुआ बेतकल्लुफ गुफ्तगू तक जा पहुंचा। लेकिन इस मुलाकात के इख्तिताम पर जुनैद अपने रस्ते और रोहेल हयात और उनकी वाइटल साइंस अपने रस्ते। इन रस्तों ने आगे जाकर कैसे मिलना है और बड़ी मुसाफत तय करनी है, आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जुनैद से कबल वाइटल साइंस में रोहेल हयात और शहजाद हसन के अलावा नुसरत हुसैन बतौर लीड गिटारिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। एक आम गलतफहमी है कि उस वक्त का मारूफ सॉन्ग ख्वाब अधूरे सही ख्वाब सहारे तो हैं जुनैद जमशेद की आवाज में है, हालांकि असल में ये सॉन्ग नुसरत हुसैन ने गाया है। खैर, वाइटल साइंस 5-स्टार होटलों और लेविश प्राइवेट पार्टीज में डीप पर्पल, ईगल्स, स्कॉर्पियंस, नाज़िया एंड ज़ुहैब और लेड ज़ेपलिन के कवर्स गा रहा है। सब ठीक ठाक है, पर काफी नहीं। रोहेल और शहजाद को ग्रुप में एक तगड़े वोकलिस्ट की तलाश है, जिसके लिए वो अक्सर यूनिवर्सिटीज में नए गाने वालों को सुनने जाते हैं, जैसे कि वो पेशावर यूनिवर्सिटी गए। लेकिन सन 83 से 87 4 साल के दौरान भरपूर तलाश के बावजूद उन्हें अपने मिजाज की कोई आवाज़ नहीं मिली। इसी साल मैरियट होटल इस्लामाबाद में एक शो के दौरान ये दोनों परफॉर्म करने के मकसद और वोकलिस्ट ढूंढने के मिशन पर यहाँ पहुँचते हैं। परफॉर्मेंस लिस्ट में नट्स एंड बोल्ट्स बैंड का नाम भी है। घने बालों वाला स्मार्ट गुड लुकिंग यंग जुनैद स्टेज पर आया तो खूब सीटियां बजी। कुछ दिल फेंक लड़कियां तो पलके झपकाना ही भूल गई। इस बार नुसरत हुसैन ने रोहेल का कांधा हिलाया और इशारा करते हुए कहा कि देखो, वही लड़का जिसकी आवाज तुम्हें पसंद आई थी। परफॉर्मेंस शानदार थी और सुनने वाले जुनैद की आवाज और शख्सियत के सहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार थे। यही वो मौका था जब रोहेल ने अपना जहन बना लिया। शो के बाद वो जुनैद के पास गया, दोस्ती और मौसीकी का हाथ बढ़ाया और जुनैद ने वो हाथ मिला लिया। वाइटल साइंस के बेसिस शहजाद हसन एक जगह लिखते हैं कि हम बहुत अरसे से गौहरे नायाब की तलाश में थे। फिर हमारी मुलाकात जुनैद से हुई, वो हमें भा गया। वो उस वक्त एक मामूली से बैंड में था और उस बैंड में खुद उसकी मौजूदगी ही एक वाहिद गैर मामूली बात थी। न सिर्फ उसकी आवाज अच्छी थी बल्कि लुक्स भी। उसमें एक अच्छे और बड़े बैंड के फ्रंट मैन होने की तमाम सलाहियतें मौजूद थी। सलाहियत शनाख्त बख्शी। ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर है। उन्हें ना तो मगरिबी तहजीब पसंद थी और ना ही मीडिया पर इसका प्रचार। अवाम में भरपूर पसंदीदगी के बावजूद जींस कल्चर और रॉक म्यूजिक उन्हें खलने लगा। कौमी टेलीविजन पर सेंसर सख्त हो गया और पॉप म्यूजिक बैकफुट पर भेज दी गई। उस जमाने में वाइटल साइन और खुसूसन जुनैद की नौजवानों में बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर बैंड को टेलीविजन तलब किया गया। मशहूर शायरा परवीन शाकिर की एक नज़म चेहरा मेरा था निगाहें उसकी दी गई और कहा गया कि इसकी म्यूजिक वीडियो बनाए। चेहरा मेरा था निगाहें उसकी खामोशी में भी। ये काम से ज्यादा असाइनमेंट था जो उसी तरह से बनाया गया और गैर मकबूल साबित हुआ। इस तरह सरकारी काम करना उस वक्त ना तो रोहेल हयात के मिजाज का हिस्सा था और ना ही जुनैद समेत बैंड के दीगर मेंबर्स को इस असाइनमेंट में ज्यादा मजा आया। ये ग्रुप तो उस जमाने के मारूफ वेस्टर्न बैंड्स पिंक फ्लॉयड, रश और आहा के बोल्ड कवर्स गाने में दिलचस्पी रखता था। अलबत्ता पहले सिंगल के तौर पर जिस तरह दो पल का जीवन सुपरहिट साबित हुआ, शोएब मंसूर ने वाइटल साइंस से कुछ बड़ा बल्कि बहुत बड़ा करवाने की सॉन्ग की ड्रमिंग जुनैद सिद्दीकी ने की, जो बाद में वाइटल साइंस छोड़ गए और इस दौरान सलमान अहमद बतौर गिटारिस्ट बैंड का हिस्सा बने। रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई और शोएब मंसूर ने वीडियोग्राफी के लिए इस्लामाबाद गोल्फ क्लब, शकरपड़ियाँ और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर कुछ लोकेशंस का इंतखाब किया। उनके कैमरे से कोई वीडियो निकले और वो शानदार ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ये सादा मगर इंतहाई पुरअसर नगमा कौमी टेलीविजन पर रिलीज होते ही रातों रात जुबान ज़दे आम बन गया। कम ही लोग जानते होंगे कि रिलीज के तकरीबन दो दहाइयों बाद साल 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया भर के मकबूल तरीन गानों के इंतखाब के लिए एक सर्वे किया। 7000 गाने मुंतखब किए गए। पोल में 155 ममालिक के लोगों ने वोट दिया और दिल दिल पाकिस्तान टॉप 3 गानों में तीसरे नंबर पर रहा। इस बेमिसाल कामयाबी के बाद यकुम मार्च 1989 को बैंड का पहला एल्बम वाइटल साइन 1 रिलीज होता है और दिल दिल पाकिस्तान लिस्ट में पहले नंबर पर है। एक तरफ शोएब मंसूर को जुनैद की आवाज मुतासिर कर रही थी तो दूसरी तरफ उन्हें उसकी शख्सियत भी किसी फिल्मी हीरो की जैसी नजर आती है। वो जुनैद से उसकी सलाहियतों का 100% हासिल करना चाहते हैं। इस सोच के साथ वो धुंधले रस्ते नामी एक मिनी ड्रामा बनाते हैं जो वाइटल साइंस की तश्कील की हकीकी कहानी पर मबनी है। इसमें तमाम किरदार भी जुनैद समेत बैंड के असल मेंबर्स नहीं निभाए। जुनैद की गुलकारी की तरह अदाकारी भी लोगों को अच्छी लगी। साथ ही साथ नया म्यूजिक भी बन रहा है, नए तजर्बात हो रहे हैं। ऐसे में सलमान अहमद ने बैंड की मौसीकी में कुछ तब्दीलियां चाहीं। यही वो वक्त था जब दिसंबर 1990 में पेप्सी ने एक बड़ी कमर्शियल कैंपेन के सिलसिले में वाइटल साइंस से पहली मरतबा राब्ते किए, लेकिन सलमान और रोहेल में किसी बात को लेकर कुछ इख्तलाफ हो गया। रोहेल ने बतौर बैंड लीडर सलमान से इजाजत चाही और बचपन के दोस्त रिजवानुल हक को लीड गिटारिस्ट हायर कर लिया। जुनैद इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं था। सलमान से दोस्ती यारी में बदल चुकी थी और उसके यूं अचानक बैंड छोड़ने से जुनैद बेचैन था। मान बहुत आगे आगे रहता था तो मुझे उसकी वजह से बड़ा सहारा मिल जाता था खुद भी परफॉर्म करने के अंदर, और यह है कि जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती थी। फिर यूं जब सलमान वाइटल साइंस छोड़ कर गया था तो मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। ये सलमान अहमद से रास्ते अलग होने का दुख था या कुछ और, लेकिन जुनैद की रूह बेकरार थी, बेचैन थी। पहले एल्बम की फकीदुल मिसाल कामयाबी और दिल दिल पाकिस्तान से मुतालिक बीबीसी की मुस्तनद तरीन स्टैंप के बावजूद उस दौर में पीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में जुनैद ने कहा कि वो अब भी खुद को कामयाब म्यूजिशियन नहीं समझता। म्यूजिक की फील्ड में उसने अब तक जो कुछ भी किया वो कोई बहुत ज्यादा काबिल फख्र नहीं। 1990 में जुनैद ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और म्यूजिक से खुद साख्ता ब्रेक लेकर पाक फजाइया में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। रोहेल और शहजाद हैरान भी थे और फिक्रमंद भी। स्टार मेकर शोएब मंसूर को भी एक बड़ा टैलेंट जाया होता नजर आ रहा था। वजह म्यूजिक से बोरियत नहीं बल्कि कुछ और थी, एक बहुत ही अहम वजह जिसका जिक्र आगे आ रहा है। खैर, दोस्तों और कुलीग्स के मुसलसल इसरार और समझाने पर बिलाखिर जुनैद ने जिद छोड़ दी। एक हाथ से पाक फजाइया को इस्तीफा पकड़ाया और दूसरे हाथ से गिटार दोबारा संभाल लिया। गिटार से निकलने वाले सुर, वाइटल साइंस, जुनैद जमशेद, उनका स्टारडम और वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सर्द गर्म चल रहा है। 1991 में बैंड की दूसरी एल्बम वाइटल साइंस 2 और 93 में एतबार के नाम से रिलीज हुई, जो कामयाब रही। 1994 में ख्वाहिश के बावजूद रोहेल हयात ने अपने दोस्त गिटारिस्ट रिजवानुल हक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया और उनकी जगह ली खामोश तबीयत लेकिन तकनीकी लिहाज से तगड़े लीड गिटारिस्ट आमिर जकी। ये वो वक्त था जब वाइटल साइंस ने अमेरिका का दूसरा टूर किया। इरादा यही था कि वापसी पर चौथी एल्बम रिलीज की जाएगी, लेकिन अभी 3 गाने ही रिकॉर्ड हुए थे कि आमिर जकी के एक मुतनाज़े बयान पर रोहेल हयात उनसे भी नाराज हो गए। जुनैद अपनी नर्म तबीयत से मुसालेहत का रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। वाइटल साइंस में अब वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। इस दौरान असद अहमद भी बैंड का हिस्सा बन गए, लेकिन फिर खुद रोहेल हयात अचानक किसी बात पर जुनैद और शहजाद हसन उर्फ शाही से नाराज होकर ग्रुप छोड़ गए। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। लोग देख रहे थे कि किस तरह मुख्तसर अरसे में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद वाइटल साइन बिखर रहा है। दुनिया रोहेल हयात जैसे म्यूजिक जीनियस के रवैये पर उंगलियां उठा रही थी, लेकिन जुनैद को इस बात का एहसास था कि वाइटल साइंस रोहेल हयात के बगैर कुछ नहीं। रोहेल के बगैर अमरीका और बरतानिया के टूर मुकम्मल करने के बाद आते ही बैंड ने आमिर जकी को फायर किया और रोहेल को टीम में उनका मकाम लौटा दिया। वाइटल साइंस की चौथी एल्बम हम तुम के तमाम गाने शोएब मंसूर ने लिखे और जुनैद ने गाए। इस एल्बम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खासी पजीराई हासिल हुई, लेकिन यहां अब वाइटल साइंस का मुकाबला था जुनून के साथ। कभी ग्रुप में साथ काम करने वाले सलमान अहमद ने अली अजमत और अमरीकी बेसिस्ट ब्रायन ओ'कॉनल के साथ मिलकर 1990 में जो बैंड तश्कील दिया था वो अब वाइटल साइंस के कद तक नहीं तो उसके नजदीक जरूर पहुंच गया था। कुछ वाकयात ऐसे भी हुए जिनसे ये तासुर पैदा हो गया जैसे जुनैद और शोएब मंसूर एक गाड़ी के जबकि रोहेल और शाही दूसरी गाड़ी के मुसाफिर बन गए। ये चारों ही चौथी एल्बम हम तुम के कमर्शियल नताइज से खुश नहीं थे। इस घुटनजदा माहौल में एक बड़ी खबर आ गई। रोहेल हयात ने पेप्सी की जानिब से नई एल्बम की एक ऑफर ठुकरा दी। ये पूरे बैंड के लिए एक धचका था। जुनैद एक बार फिर आगे आया और समझाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वाइटल साइंस की बिसात लिपट गई और यहां से जुनैद के सोलो म्यूजिक करियर का आगाज हुआ। फैंस बहुत पहले से जुनैद को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर देख रहे थे, लिहाजा बैंड के बगैर जुनैद उन्हें बहुत मुख्तलिफ नहीं लगा। हालांकि बतौर सोलो आर्टिस्ट वो 94 में एल्बम तुम्हारा और मेरा नाम दे चुका था, लेकिन जिस एल्बम ने उसे सोलो आर्टिस्ट के तौर पर शनाख्त दी वो थी 1998 की उस राह पर। जिस राह पर सब ही चले। उस राह पर ने जिस तरह कामयाबी की राह पकड़ी, ये एल्बम बहुत जल्द बेस्ट सेलिंग बन गई। साल 2000 में जुनैद जमशेद ने अपनी तीसरी एल्बम द बेस्ट ऑफ जुनैद जमशेद जारी की, जिसमें वाइटल साइंस दौर के कुछ गीतों के रीमिक्स शामिल थे। इस एल्बम को तो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन इसके बाद उनकी चौथी और आखिरी सोलो एल्बम दिल की बात को लोगों ने सराहा। इससे पहले कि हम वीडियो के अगले और इंतहाई अहम हिस्से की जानिब बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इस रिसर्च को इंतहाई मेहनत से कंपाइल करने और इस वीडियो को बनाने वाली टीम की कुछ हौसला अफजाई मिले। अपनी कहानी पर वापस आएं तो यहाँ जुनैद का हौसला डामाडोल हो रहा है। बेचैन तबीयत फिर कुछ नए कुछ बेहतर की तलाश में। 2001 के अवाइल में जुनैद आवाम की नजरों से अचानक ओझल हो गया। उसके आखिरी 2 एल्बम्स के कई गीत अगरचे पसंद किए गए, मगर कमर्शियल एतबार से ये दोनों एल्बम्स मार्केट में बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। ये वही दौर था जब माली मुश्किलात से निकालने के लिए शोएब मंसूर टेलीविजन शो गर्ल्स एंड गाइस के साथ आगे आए और उसे सपोर्ट किया। इसी साल अमेरिका में 9/11 का वाकया रोनुमा हो गया। इत्तेफाक से जुनैद इन दोनों अमेरिका में टूर कर रहे हैं, जो 9/11 के वाकये से बुरी तरह मुतासिर हुआ। ये पहले से खाली जेब पर एक और बहुत बड़ा बोझ था, जिसे साथ लिए जुनैद पाकिस्तान लौटा और लौटते ही अदालत में बैंकरप्सी दायर कर दी। ये बहुत मुश्किल वक्त था। वो अपने आप से लड़ रहा था, उसे मंजिल की तलाश थी। वो रूह आज भी बेताब थी जिसने पायलट बनने का ख्वाब देखने से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहा मगर ना पहुंच सका। इंजीनियर बनने का ख्वाब देखा तो वो टूट गया और अब म्यूजिक भी उसके हाथों से निकल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे कुछ पाने की सच्ची जुस्तजू हो उसके हाथ ज्यादा देर खाली नहीं रह सकते। कराची में एक अजीब और गरीब वाकया पेश आता है जिसने जुनैद की जिंदगी को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया। एक रोज वो ड्राइव कर रहा था तो उसे तबलीगी जमात के कुछ लोग नजर आए जो मामूल के गश्त पर थे। इस जमात के लोग दरवाजों पर दस्तक देकर लोगों को मस्जिद आने की तरगीब देते हैं। जुनैद ने देखा कि उनके चेहरे गर्दालूद और कपड़े पसीने में शराबोर थे। उसके जहन में इस जमात का मध्यम सा खाका था कि ये लोग किवाड़ बजाकर दूसरों को बुलाते हैं, तंग करते हैं और घरों का आराम छोड़कर मस्जिद में आने की दावत देते फिरते हैं। जुनैद उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गया, लेकिन थोड़े ही फासले पर पहुंचकर उसने अचानक ब्रेक लगा दी। उसे ख्याल आया कि एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर यह सोचना कि नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने वाले तबलीगी लोगों को तंग करते हैं, उन्हें मस्जिद में बुलाकर उनका वक्त जाया करते हैं, ये एक बहुत ही सतही सोच है। शर्मिंदगी के एहसास ने जुनैद को जकड़ लिया। उसने गाड़ी यू टर्न पर डाल दी। वापसी के रास्ते वही लोग एक दरवाजे के बाहर खड़े नजर आए तो जुनैद गाड़ी से उतर कर उनके पास चला गया। जमात में शामिल एक शख्स ने उसे अपनी जानिब आता हुआ देखा तो 4 कदम खुद बढ़ाए और हाथ मिलाए। जुनैद ने कहा, भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं और ये कि आप मेरे लिए दुआ भी करें। जवाबन उस शख्स ने वहीं हाथ उठाए और जुनैद समेत सब ने उसी मकाम पर दुआया अल्फाज अदा की। जमात में से एक शख्स ने, जिसने पॉप स्टार के तौर पर जुनैद को पहचान लिया था, बाद में मस्जिद में जाकर सबसे इस वाकये का जिक्र किया। जिस वक्त वो ये वाकया बता रहा था कि मारूफ गुलकार जुनैद जमशेद खुद चलकर हमारे पास आया और हमसे दुआ की दरख्वास्त की, तो उस घड़ी जिक्र में मसरूफ जुनैद गनी नामी नौजवान को अचानक झटका लगता है। कौन जुनैद, वो सिंगर? जवाब मिला, हाँ वही जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। जुनैद गनी फिर हैरत से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही जुनैद जमशेद था, वाइटल साइन म्यूजिक बैंड वाला? जवाब फिर यकीनी हाँ में आता है। जुनैद गनी इबादत खत्म करके वहां से उठता है और घर की राह लेता है। इस वाकये के चंद दिन बाद जेजे के कमरे में एक रोज फोन की घंटी बजती। जुनैद। अब मैंने जब उसका मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज़ सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा, तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं भी तो पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक थे तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था। चंद मिनट और गुजरे तो जुनैद गनी ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। वजह दरियाफ्त की गई तो कहा कोई खास वजह नहीं, बस तुम्हें देखना है। यार बगैर वजह के क्या क्यों मिलना है तुमने? बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो फिर, चलो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमें तो आदत थी फ़ोन बंद करने की। अगले दिन फिर फ़ोन आ गया उसका। मैंने अब क्या काम है? काम कोई नहीं। मिलना है क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फ़ोन पर बात कर लो। नहीं, फ़ोन पर काम कोई नहीं है। कड़क फ़ोन पर। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा। अब उसका मैं हेलो सुनता था, फ़ोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा। जुनैद गनी बताते हैं कि वो इतनी बार टाले गए कि उन्हें जेजे के घर के नौकरों के नाम तक याद हो गए। एक रोज़ सुबह के वक्त फ़ोन बजा तो जुनैद ने खुद उठाया। जब मैंने फ़ोन रखने लगा मुझसे कहता, देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना 5 मिनट, 5 मिनट। आधे घंटे बाद जुनैद गनी दरवाजे पर खड़ा है। जिस जुनैद जमशेद ने जुनैद गनी की आवाज़ को 1 सेकंड में पहचान लिया था, उस सामने वाले शख्स को देखकर खड़े का खड़ा रहे। सफ़ेद लिबास ही जैसे मौली साहब ने पहना हुआ, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहते मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूँ तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल, तेरे जैसा शैतान, इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ। आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उससे मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। एक जुनैद सवाल कर रहा था और दूसरा जुनैद जवाब दे रहा था। ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे हुआ। तू कैसे बदला? मैं ऐसे बदला। तू कहाँ कहाँ गया? मैं यहाँ यहाँ गया। तू किन किन लोगों से मिला? मैं इन इन लोगों से मिला। तुझे सुकून कैसे नसीब हुआ? मुझे सुकून ऐसे नसीब हुआ। 5 मिनट के लिए तय होने वाली यह मुलाकात 3.5 घंटे तक जारी रही। रुखसत का वक्त आया तो मेहमान ने मेजबान को एक ऑफर किया, कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूँगा, तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा। मैंने अपनी नई साफ़ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली, लंबे लंबे मेरे बाल थे। हाँ, मैं तैयार हो गया जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का, मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में, हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा, जुनैद गनी सुन, ये मुझे कोई मार वार तो नहीं देगा इधर, है को मेरा कोई कतल बतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं, हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। जुनैद जमशेद जीन्स और टी शर्ट में है और वहाँ अपने दरमियान पाकर लोग हैरान और परेशान हैं। वो दिल दिल पाकिस्तान के हीरो से मिलना चाहते हैं, लेकिन जुनैद गनी ने उस वक्त जालिम समाज का किरदार निभाया, कुछ भी करके फैंस को स्टार से दूर रखा। लेकिन यहाँ इसका एक मकसद है, वो अपने दोस्त के लिए परेशान है और उसके दिल की कैफियत को बखूबी समझता है। वो यहाँ एक मरीज को इलाज की गर्ज से लेकर आया है और इलाज के लिए डॉक्टर से मुलाकात होना भी बाकी है। जे घर से ये सोचकर आया है कि इज्तिमागाह में कयाम चंद घंटों का होगा, लेकिन ये वक्त नाइट स्टे से होता हुआ 3 रोज तक फैल गया। कराची इज्तिमा का तीसरा दिन, तारीख 3 सितंबर 1997। भरे मजमे में शायद खुद जुनैद जमशेद ही जानता होगा कि ये उसकी सालगिरह का दिन है। इतने में स्याह दाढ़ी वाले सफेद अमामा बांधे एक मौलवी साहब का बयान शुरू होता है। वो बोल रहे हैं और जुनैद सुन रहा है। एक एक लफ्ज दिल पर असर कर रहा है। बयान खत्म होते ही जे अपने मेजबान दोस्त का कांधा हिलाकर पूछता है, यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा, यार ये हैं हमारे एक मौलाना। मैंने कहा, यार मैंने इनसे मिलना है। कहते यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा, भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूँ और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूँ, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? कहने लगा कि यार किस तरह करेंगे, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। खैर जी, हम पूरे मुजमे में से निकले दोनों, करते वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे। तो मैं जब उधर पहुँचा तो वहाँ पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौलवी साहब के कमरे के बाहर। मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कहे यार जुनैद भाई, इनसे तो मिलने की किसी को इजाज़त नहीं है। मैंने कहा तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। जे के बकौल छोटे से खेमे में दाखिल होते ही मौलाना तारिक जमील ने जुनैद गनी को बाहर जाने के लिए कहा। अब यहाँ सिर्फ मौलाना और जे। जुनैद को महसूस हुआ जैसे सलाम के बाद मौलाना उसके चेहरे को मुसलसल तक रहे। वो चुप हैं लेकिन मुस्कुराते हुए होंठ लरस रहे, जैसे कुछ इम्पॉसिबल अचानक पॉसिबल हो गया। जे के इसरार पर मौलाना ने बोलना शुरू किया, मैं एक अरसे से इस घड़ी का मुंतजर था। सालों पहले से जब फैसलाबाद में पेप्सी और दीगर कंपनियों के तशहरी साइन बोर्ड पर मैं तेरी तस्वीरें देखता तो अल्लाह से तेरे लिए दुआ करता कि अल्लाह, जब तू तारिक जमील की जिंदगी बदल सकता है तो जुनैद जमशेद की क्यों नहीं? मुझे तुझसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, बल्कि इस इज्तिमागाह में आते हुए एयरपोर्ट पर जब मैंने वहां तेरा साइन बोर्ड लगा हुआ देखा तब भी दिल से निकला कि काश इस लड़के से मुलाकात हो जाए, और आज तुम मेरे सामने बैठे। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूं कि जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुछ और इधर उधर की बातों के बाद जुनैद मुलाकात के मकसद पर आया। मौलाना, मेरे पास पैसा है, सुकून नहीं, शोहरत है, नींद नहीं, घर बार है लेकिन दिल का करार नहीं। जवाब उतना ही आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से बनी और मिट्टी पर मौजूद हर चीज उसे सुकून पहुंचा सकती है, लेकिन रूह का ताल्लुक मिट्टी और इस जमीन से नहीं बल्कि आसमान से है, जहां वो बनी है। इसकी ग़िज़ा भी आसमानों से ही आती है। मौलाना ने कुरान करीम की कुछ आयात और अहादीस के हवालों के साथ भी समझाने की कोशिश की। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मुलाकात खत्म हुई और जुनैद एक हैरत ज़दा, खौफज़दा और कंफ्यूज जुनैद जमशेद की शक्ल में इज्तिमागाह से निकला। इस दिन के बाद कई और रातें बेसुकूनी में गुजरी, लेकिन इस बार फर्क यह था कि पहले रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती, जो अब जाए नमाज पर गुमसुम बैठे गुजर रही थी। जुनैद के जहन में सवाल ही सवाल थे। कभी ख्याल आता कि वो मौसीकी के जरिए लोगों को खुशी पहुंचा रहा है, मुस्कुराहटें बिखेर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अमल खुदा को नापसंद हो और दूसरे ही लम्हे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने का दिल भी चाह रहा है। इस थका देने वाले लाइफस्टाइल से दूरी इख्तियार करने की भी आरज़ू है। अब यहाँ एक मिनट के लिए कहानी को रोककर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जिक्र हुआ था कि 1998 में जुनैद ने अपनी सोलो एल्बम उस राह पर रिलीज की थी, जिसमें इसी नाम के सिंगल के अलावा कुछ और गाने भी थे जो सांवली सलोनी, गोरे रंग का जमाना जैसे गानों से थोड़े मुख्तलिफ थे। मसलन आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया था, कह भी दो जो दिल में आए और कसम उस वक्त। इन गानों के न सिर्फ लिरिक्स का इंतखाब किसी समत की तयन कर रहा था, बल्कि इन्हें जिस तरह गाया गया वो अंदाज भी एक पहले से ज्यादा फोकस्ड और मैच्योर जुनैद जमशेद का अंदाज था। यानी इस प्रोजेक्ट पर 1998 से ही काम शुरू हो गया था। खैर, म्यूजिक से मजहब की तरफ ये ट्रांजिशन इतनी आसान ना थी। पेमेंट्स फंसी हुई थी और माली मामलात सेटल नहीं हो पा रहे थे। रिकॉर्डिंग्स और जैमिंग के दौरान जुनैद अलबत्ता नमाज की पाबंदी कर रहा है और इसी कश्मकश में आ गया साल 2004। एक ऐसे वक्त में जब जुनैद जमशेद बिलाशुबा पाकिस्तान के टॉप 3 मोस्ट फेमस सिंगर्स में शुमार हो रहा है। उसने मौसीकी की दुनिया को छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सारी दुनिया हैरान है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन इन सबसे ज्यादा हैरत जुनैद के दोस्त और ब्रॉडकास्ट फील्ड में उसके उस्ताद शोएब मंसूर को है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शोएब मंसूर कहते हैं, मैं एक सुबह अखबार देख रहा था तो मेरी नजर से अपने दोस्त जुनैद जमशेद का बयान गुजरा। साथ ही दाढ़ी के साथ शलवार खमीज में उनके नए हुलिये की एक तस्वीर भी थी। मैं जितना पढ़ता चला गया मेरा दुख बढ़ता गया। वो म्यूजिक को हराम कहकर छोड़ रहा था। इस वाकये ने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे यकीन था कि खुदा मौसीकी और पेंटिंग जैसी दो खूबसूरत तरीन चीजों को तर्क करने का नहीं कह सकता। मुझे लगा कि जुनैद जैसे कंफ्यूज आदमी को कोई हक नहीं कि वो दुनिया भर में लाखों परस्तारों और म्यूजिक लवर्स के जहन अपने नए नजरिए से तब्दील करे। मैंने उसे अपनी जिंदगी के 16 साल एक सच्चे दोस्त के तौर पर दिए थे। वो मुझसे मशवरा किए बगैर इन मुश्तरका 16 सालों की मेहनत को कैसे जाया कर सकता है। बताया जाता है कि इसके बाद शोएब मंसूर, रोहेल हयात और म्यूजिक इंडस्ट्री के दीगर लोगों ने जुनैद से राब्ता करके उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। इन्हीं दिनों शोएब मंसूर फिल्म खुदा के लिए पर काम कर रहे थे, जिसमें मुआहदे के मुताबिक मरकजी किरदार जुनैद ने निभाना था। कहानी भी उन्हीं वाकयात पर मबनी थी जो 9/11 के बाद जुनैद के साथ अमरीका में पेश आए थे। लेकिन शोएब अब इस वजह से फिक्रमंद थे कि फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक हीरो एक लिबरल नौजवान था, जबकि जुनैद का हुलिया दाढ़ी के साथ तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि इब्तदाई तौर पर उसने रिकॉर्डिंग की तारीखें करीब आने तक दाढ़ी मुंडवाने के लिए हामी भर ली थी, लेकिन बाद में हालात तब्दील हो गए। ये हालात जहां तब्दील हुए वो जगह थी बैरूत। लबनान के इस पुरफिजा दारुल हुकूमत में मारूफ मकामी सिंगर नवाल ज़ोग़बी जुनैद के पहलू में पेप्सी के रीजनल ऑफिस में बैठी है। अपने अपने मुल्कों के इन दोनों सुपरस्टार्स के सामने ब्लैंक चेक्स पड़े कि अपनी पसंद का नंबर डालो और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो। नवाल ने झट साइन कर दिया, लेकिन जुनैद इस चेक को तक रहा है। वहां बैठा एक शख्स नरमी से कहता है, सिर्फ एक गाने की तो बात है, अपनी ही दाढ़ी है यार, फिर निकल आएगी। इस गाने के बाद जो करना है करते रहना। जुनैद अब भी खामोश है। कुछ लम्हों के बाद न जाने क्या सोचकर वो अचानक अटल लहजे में कहता है, मुझे एक दिन का वक्त दें, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आज साइन नहीं कर सकता। पेप्सी के अफसरान के माथों पर बल आ जाते हैं। वो सारे ही एक साथ बोल पड़ते हैं, आज क्या कबाहत है, हर चीज तैयार है, आप साइन कर दें तो हम और चीजों का इंतजाम शुरू कर देंगे, वैसे भी आपके एजेंट्स इसे तफसील से देख चुके हैं। जुनैद फिर खामोशी इख्तियार कर लेता है। पेप्सी वाले आपस में मशवरा करते हैं और उन्हें लगता है कि इसरार मुनासिब नहीं। चलिए ठीक है मिस्टर जुनैद, हम स्टाइलिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा देते हैं, कल आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दें और उसी पुराने शेव वाले चेहरे के साथ फोटो सेशन भी करा लें, अब ठीक है। इस बार जुनैद चाहकर भी ना नहीं कर सका। अगले चंद घंटों में वो स्टाइलिस्ट की कुर्सी पर बैठा आईने में अपना ही चेहरा तक रहा है। जिद्दी बच्चों की तरह आंखों से मोटे मोटे आंसू रवाएं। स्टाइलिस्ट हाथ में कैंची पकड़े इशारे का मुंतजर है। जुनैद ने आंखें बंद की और गर्दन हिलाकर उसे काम शुरू करने का सिग्नल दिया। चंद सेकंड बाद आंखें खुली तो आईने में कोई और जुनैद बैठा नजर आया, सांवली सलोनी और गोरे रंग के जमाने वाला जुनैद। दाढ़ी के बाल नीचे गोद में पड़े नजर आए तो जब्त का बंधन टूट गया। मुंह हथेलियों में छुपाकर वो कई मिनट फूट फूट कर रोता रहा। ये आंसू स्टाइलिस्ट के सलून से निकलकर होटल के $500 पर नाइट वाले रॉयल स्वीट तक साथ गए, जिसमें उसके क़याम के लिए शहजादों के से अरेंजमेंट्स किए गए थे। मगर यहाँ अल्ट्रा कंफर्ट बेड भी कांटों की सेज बना हुआ था। ये पूरी रात रोते और आईना देखकर हाय जुनैद ये तूने क्या किया करते करते गुजर गई। दर्द इतना था कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जहां से उलझना चाहा, लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले अचानक दिल को करार सा आने लगा। ये उसका अपना रोना था या कुछ और पता नहीं, लेकिन दिल पर से बोझ हर मिनट के साथ साथ कम होता महसूस हो रहा था। सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही जुनैद ने टेबल पर पड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े रद्दी की टोकरी में उछाले और सामान सूटकेस में डालना शुरू कर दिया। उस वक्त बैरूत शहर और पेप्सी वाले मीठी नींद सो रहे थे और उनमें से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक बेकरार शख्स ब्लैंक चेक ब्लैंक ही छोड़कर उस राह पर निकल पड़ेगा जिस पर इससे कहीं ज्यादा कीमती कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए उसका मुंतजर है। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि 2 घंटे बाद ही लाहौर की फ्लाइट है। परवाज के दौरान जुनैद मुसलसल सोच रहा था कि सौदा तो कर लिया, लेकिन अब तबलीगी साथियों को क्या मुंह दिखाएगा। तारिक जमील साहब क्या सोचेंगे कि अपनी दाढ़ी बेचा है। बैरूत से लाहौर और फिर लाहौर से कराची का सफर यही सोचते सोचते गुजर गया, लेकिन खौफ मौलाना के पास पहुंचते ही उनके चंद जुमलों ने दूर कर दिया। आ गए हो वापस? जी मौली साहब, आना तो था ही तुमने। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता था कि मैं वापस आ जाऊंगा? क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे लिए पूरी रात नवाफिल अदा की, कैसे ना आते तुम? अब ये वो जुनैद था जो मौसीकी और शोबिस की दुनिया का आखिरी स्टॉप भी पीछे छोड़ आया था, सारी कश्तियां जला आया था। अब ना पेप्सी के लिए कोई उम्मीद बाकी बची थी और ना शोएब मंसूर के लिए। जुनैद के पीछे सिर्फ पछतावे थे और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ। म्यूजिक से दूरी जेजे के लिए माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे में एक दोस्त ने मुश्तरका काम करने की ऑफर की। जुनैद ने हामी भर ली। तय ये पाया कि क्लोथिंग लाइन शुरू की जाएगी। इस बारे में जुनैद का मौकफ यह था कि जब वेस्ट हमारे यहाँ जीन्स और टी शर्ट भेज सकता है तो हम वहां शलवार कमीज क्यों नहीं। इब्तदाई तौर पर 50 लाख रुपए की जरूरत थी। 25 लाख दोस्त ने अरेंज किए, जबकि जुनैद को ये 25 लाख 25 करोड़ जैसे लगने लगे। चीजें फरोख्त होना शुरू हुई। जान पहचान वालों को फोन घुमाए गए। बकौल जुनैद ये वो वक्त था जब अपनों और परायों में फर्क समझ आने लगा। कुछ दोस्तों ने खुले दिल से ऑफर की, लेकिन कुछ ने बिल्कुल ही आंखें फेर ली। खैर, किसी न किसी तरह 50 लाख जमा हो गए और उसमें से आधे पैसों का कपड़ा खरीद लिया गया। रमजान सर पर था और ये माल बनवा कर अगले 1.5 महीने में फरोख्त करना था, लेकिन हायरी किस्मत कि अभी सब्र के इम्तिहान और भी। खबर आई कि पैटर्न गलत कट गया। मीडियम साइज स्मॉल और स्मॉल साइज एक्स्ट्रा स्मॉल बन गया। बड़े को तो छोटा किया जा सकता है, लेकिन छोटे को बड़ा कैसे किया जाएगा। जुनैद की आंखों में J.Dot का ख्वाब भी धुंधला गया। चंद रोज शदीद इस्तराब और बेचैनी में गुजरे। इन्वेस्टर्स को पता चला तो उन्होंने भी फोन घुमाने शुरू कर दिए। इस तरह का प्रेशर एक आर्टिस्ट कम ही महसूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत कुछ और ही खेल खेल रही थी। ये इम्तिहान भी था और इसमें सब्र का दामन थामे रखने पर बड़ा इनाम मिलने वाला था। इन्हीं दिनों बांग्लादेश की एक पार्टी का फोन आता है जो सारा माल फौरी खरीदने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि पैटर्न साइज थोड़ा छोटा रखा जाए। इनका मतलूबा साइज एन वही साइज था जिसे बेकार तस्वुर किया जा चुका। मीटिंग हुई और डील भी फाइनल हो गई। न सिर्फ फाइनल बल्कि पैसे J.Dot के अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गए। जो माल 1.5 माह में फरोख्त होना था वो 2 हफ्ते में बिक गया। तमाम उधार चुका दिए गए, तमाम कर्ज लौटा दिए गए। JJ का पार्टनर खुशी से निहाल था, लेकिन वो खुद चुप था। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। खुदा अपनी निशानियां दिखा रहा था और जुनैद का यकीन और पुख्ता हो रहा था। कहा जाता है कि जुनैद और उसके दोस्त की यह डेब्यू पार्टनरशिप इस पहली डील के बाद और ज्यादा मजबूत हुई। ये दोनों अक्सर मुफ्ती तकी उस्मानी के पास मुशावरत के लिए भी जाते, जो इस्लामी बैंकारी और बिजनेस के उसूलों की खासी समझ बूझ रखते हैं। कारोबार में मगन होकर जुनैद डिजाइंस के जरिए जिस कदर मुमकिन हुआ अपनी क्रिएटिव क्रेविंग पूरी कर रहा था, लेकिन ये काफी नहीं था। म्यूजिक से पक्की पक्की कुट्टी हो चुकी थी, इसलिए वो दरवाजा भी बंद था। इसके लिए जुनैद ने हमदो नात का रास्ता अपनाया। चंद एक सोलो नातों के बाद पहली एल्बम जलवा जाना 2005 में रिलीज होती है, जिसने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है और जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है जैसे कलाम जुनैद की आवाज पाकर कानों के जरिए लोगों के सीनों में उतर गया। इसके बाद 2006 में महबूब यज़दा, 2007 में बदरुद्दुजा, 2008 में यादुल हरम और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। 2010 में आने वाली उनकी नशीद एल्बम मेरा दिल बदल दे ने रिकॉर्ड मकबूलियत हासिल की। जुनैद की तमाम तवज्जो तबलीग और हमदो नाद गोई की तरफ मबजूल हो चुकी थी। वो तकरीबन कुल वक्ती मुबल्लिग बन गए और आम दुनिया के अलावा टेलीविजन प्रोग्रामों और रमजान ट्रांसमिशन के दौरान भी दीन की दावत देते नजर आ रहे थे। जुनैद की नीयत अच्छी थी, गुफ्तगू का अंदाज मुतासिर कुन था, लेकिन कुछ मामलात में अभी कसर बाकी थी। मुबल्लिग के रूप में उन्होंने कुछ लूज बॉल्स भी कराई, जैसे एक निजी टेलीविजन को अपने दिए गए इंटरव्यू में जुनैद ने कहा, तो मैं इसको नहीं लेके जाता, तो मैंने सारी जिंदगी आयशा को ड्राइविंग नहीं सिखाई, ठीक है ना। और ये मैं तमाम, अगर कोई मर्द देख रहा है ना, तो मैं ये उस मर्द को बताना चाहता हूँ कि तूने अगर अपनी ज़िंदगी पर जो सबसे बड़ा एहसान करना है ना, वो ये कि ना अपनी बीवी को गाड़ी चलाना सिखाना, ना उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाना। अगर मोटरसाइकिल तो नहीं सिखाओगे तुम, लेकिन गाड़ी चलाना उसको और सिखाना क्यों? जिस औरत को तो घर से बहुत ज्यादा बाहर निकलने की आदत पड़ जाए, उससे फिर घर में नहीं बैठा जाता। इस बयान पर उनकी काफी लेदे हुई। उन्हीं दिनों एक और खौफनाक वाकया पेश आता है। 26 मार्च 2016 को बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तिल हुजूम जुनैद को घेर लेता है। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश हो जाती है। हमला करने वालों का दावा है कि जुनैद ने इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात की तौहीन की। दरअसल ये वाकया 2014 में पेश आया था, जब जुनैद की जानिब से अदा किए गए कुछ कलमात पर एतराज उठाया गया, यहाँ तक कि उन पर तौहीन मजहब का मुकदमा तक दर्ज हो गया। लेकिन जुनैद ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए बाकायदा वीडियो पैगाम के जरिए माफी मांगी और मजीद मोहतात हो गए। आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख के दर्जे में दरखास्त करता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। जुनैद के हवाले से उन दिनों एक खबर ये आई कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी अहलिया का नाम नेहा ज़िया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की साबिक खवातीन विंग की एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी थी। दिसंबर 2016 तबलीगी दौरे पर जुनैद जमशेद अमरीका में। यहाँ क्रिकेटर सईद अनवर का फोन आ गया कि मेरे पास चित्राल आ जाओ। वहाँ वो एक तबलीगी जमात के साथ काम कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि जुनैद उनकी नुसरत के लिए वहाँ पहुँचे। पुराने दोस्त की ख्वाहिश जुनैद से रद्द ना हुई और हामी भरी। इस दौरान उन्होंने मौलाना तारिक जमील को फ़ोन करके उनसे भी चलने की रिक्वेस्ट की, जिस पर मौलाना ने अपनी मसरूफियात का बताया। बहरहाल जुनैद अपनी दूसरी अहलिया के साथ चित्राल चले गए। यहाँ एक हफ्ता गुजारा। ये चित्राल में क़याम का आखिरी दिन था। जुनैद ने फजर के बाद मकामी मस्जिद में तबलीगी बयान किया। दिन में मुलाकातें मुकम्मल करके सपहर के वक्त एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। परवाज PK 661 की रवानगी का वक्त 3:30, जबकि इस्लामाबाद आमद का वक्त 4:40 था। एयरपोर्ट के रस्ते जुनैद ने एक ट्वीट भी की, जिसमें चित्राल को जमीन की जन्नत करार दिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये मुसाफिर जमीन की जन्नत से आसमान की जन्नत की तरफ रवाना हुआ है। तैयारा मामूल के मुताबिक फजा में बुलंद हुआ, वही फजा जिसमें अपना फाइटर जेट उड़ाने का ख्वाब 15-16 साल के जुनैद ने बड़ी शिद्दत से देखा था। नीचे कंट्रोल टावर पर सिग्नल्स नॉर्मल थे, लेकिन हवेलियां के करीब पहुंचकर तैयारे का बायां इंजन अचानक खराब हुआ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जुज़वी तौर पर नाकारा हो गया। इस सिस्टम के नाकारा होने से सितम यह हुआ कि पायलट कोशिशों के बावजूद भी तैयारे को दाएं इंजन पर मुंतकिल ना कर सका। जहाज डोलता हुआ मशरिक से जुनूब की जानिब मुड़ गया। उसकी समत भी सामने के बजाय अब नीचे की तरफ थी। सेकंडों में 13,000 से 7,000 फुट की बुलंदी पर आया और बटोलनी गांव के करीब वाकई पहाड़ियों से जा टकरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत कम हुआ है कि हमारे मुल्क में किसी के जाने पर हर उम्र और हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग इतना मखमूम हुए। जुनैद के जनाजे को कांधा देने एक जम्मे गफीरों में डाले। रोते हुए दिल ही दिल थे और पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ दिल दिल पाकिस्तान। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जिनकी सारी जिंदगी ही सफर होती है, एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव, एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप। लेकिन इनमें से बहुत कम अपने स्टॉप्स पर बरवक्त और इतने शानदार अंदाज में पहुंच पाते हैं। नामवर मूसीकार सुहेल राणा ने कहा कि जुनैद, मैंने अपने प्रोफेशनल जिंदगी में तुम जैसा फिनोमेना नहीं देखा। और मौलाना तारिक जमील ने कहा कि मैंने जुनैद जैसा अखलाक वाला और बामल मुसलमान नहीं देखा। म्यूजिक, कारोबार और मजहब, जुनैद ने जिस तर्ज जिंदगी को भी अपनाया उसे कमाल दर्जे तक पहुंचा। शायद इसकी वजह एक बेचैन रूह थी जो हमेशा खूब से खूब तरक्की तलाश में रही, सवाल करती रही, जवाब ढूंढती रही। जुनैद जमशेद के दिल में पायलट ना बनने के मलाल ने जो अलाव दहकाया था वो हवेलियां की पहाड़ियों पर जाकर बुझा। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक का सफर जिस बेकरार जिस्म ने तय किया उसे बिलाखिर करार आई।